नौटंकी बाज है इंदु सिंह। खुद इसने तेरे नाम के पोस्टर्स छपवाए हैं और सबको क्या कह रहा है, साची जी को साजिश में घसीटा गया है। पर इसे हर चीज में पब्लिसिटी चाहिए, तेरा नाम यूज करके गंदी पॉलिटिक्स खेल रहा है। हमने तो सोचा था कि 6 महीने इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, पर वीसी सर ने इसकी सस्पेंशन कैंसिल क्यों करवाए? ऑन व्हाट बेसिस? अगर इसने पोस्टर्स नहीं लगवाए तो फिर पोस्टर्स किसने लगवाए? या फिर हो सकता है किसने पावर यूज करके सस्पेंशन कैंसिल करवाया हो। हमें वीसी सर से जाकर बात करनी पड़ेगी, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था। साची रुक, एक मिनट तू ये सोच, अगर इंदु सिंह ने पावर यूज करके सस्पेंशन कैंसिल करवाया है तो वीसी सर तुझे क्या बता पाएंगे? इंदु सिंह इनोसेंट है इस बात का तो कोई प्रूफ है नहीं, इसका मतलब डेफिनेटली उसने गलत तरीके से ही सस्पेंशन कैंसिल करवाया है। पिताजी, बात इतनी बिगड़ी नहीं जितने की आप समझ रहे हैं। बात नेताजी, इंदु सिंह का सस्पेंशन हटा तो हटा कैसे बताओ? पता नहीं चाची, पता नहीं। आखिर इंदु सिंह ने ऐसा क्या किया? ससुराल दिमाग तो कंप्यूटर की तरह हैंग हो गया है, कोई बटने काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बीसी ठाकुर जो इतना सिद्धांतवादी है, इतना कड़क है, उसने चिरकुट इंदु सिंह का सस्पेंशन कैसे रोक दिया? इंदु सिंह ने ऐसा क्या बोल दिया कि बीसी ठाकुर ने उसकी सुन ली? कमल, बैठो बैठो। देखिए, अगले महीने एग्जाम है, कुछ लोग आगे जाएंगे और कुछ लोग यहीं सामने के बेंच पे नजर आएंगे, क्योंकि जो फेल स्टूडेंट है वो नेक्स्ट क्लास में तो जा नहीं सकते। अब आप लोग कहेंगे कि हम आपको अपनी कोचिंग क्लास ज्वाइन कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बगैर मरे स्वर्ग नहीं मिलता, जैसे कि बगैर समंदर के अंदर गहराई में डुबकी लगाए मोती नहीं मिलती, उसी तरह हमारी कोचिंग क्लास ज्वाइन किए बगैर आप में से कोई पास नहीं हो सकता। अब 1 महीने का वक्त है, 1 महीने में हम आपके साल भर का कोर्स कंप्लीट करा देंगे, तो जिस जिसको कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है वो अपना हाथ ऊपर उठाओ। तो अपना अपना नाम लिख के हमें दे दो, और हाँ, वो नाम देखना अपने पास होने वाली लिस्ट। जी में आज तंग है तो इसमें हम क्या करें यार? चाची जी काहे नहीं समझती कि हमारी जो वो है अपब्रिंगिंग, हाँ वही, वो ऐसी है। मैम, ये रेफरेंस बुक चाहिए थी। दिखाइए। सॉरी, ये बुक्स तो नहीं है। नहीं है मतलब? ये मतलब नहीं है, लाइब्रेरी में नहीं है। पर रेफरेंस बुक्स की तो 3 कॉपीज होती है, तो क्या आपके पास एक भी नहीं है? नहीं, एक भी नहीं। अच्छा, तो क्या आप हमें बताएंगे कि किन किन स्टूडेंट्स को ये बुक्स इशू हुई है? एक मिनट, मैं देखती हूँ। स्टूडेंट्स के नाम पर नहीं, ये बुक्स प्रोफेसर दशरथ शुक्ला और जनार्दन सिंह के नाम पर इशू हुई। पर रेफरेंस बुक्स तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होती है ना, और प्रोफेसर्स के लिए तो अलग कोटा होता है, और वो भी दशरथ शुक्ला जिनकी ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस चलती है। देखिए, आपने हमसे पूछा कि बुक्स कहाँ है, हमने आपको बता दिया है कि बुक्स इशूड। अब वो क्यों है, कैसे है, वो सब आप उन्हीं से जाकर पूछिए। हाँ, उनसे क्यों? बुक्स आपने इशू की थी ना, रूल्स आपको पता है ना, तो फिर आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? हमें बुक्स चाहिए। बुक्स चाहिए? जाइए ढूंढ लीजिए, अगर मिल जाएंगी तो हम इशू कर देंगे।